आप देख रहे हैं अपना। काफ़ी अच्छी खूबसूरत थी, विजुअल्स बहुत अच्छे थे, लोकेशन सिलेक्शन बहुत अच्छा था इसका, और ओवरऑल आजकल जो हम लोगों को ज़्यादा देखने की इच्छा होती है कि गांव, उनकी कहानियाँ, तो वो सब इस फिल्म में था। एक लव स्टोरी थी, एक प्यारी सी लव स्टोरी थी, और डायरेक्टर ने बहुत अच्छा एफर्ट किया है और बहुत अच्छा काम किया है, और कोशिश की है कि ऐसी कहानियों को जनता तक पहुंचाया जाए। इसके लिए जो है डायरेक्टर संजीव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसके प्रोड्यूसर्स जिन्होंने इस फिल्म को बनाने के लिए अथक मेहनत की है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आशा करता हूँ कि ऐसी फिल्में जो है बनती रहें और थिएटर तक पहुँचती रहें। अब रेटिंग, ऐसी खूबसूरत फिल्मों की रेटिंग हम नहीं दे पाएंगे। रेटिंग एक मतलब एक लिमिट तय कर देना किसी की क्रिएटिविटी और किसी के साहित्य को लेकर, तो वो नहीं कर पाएंगे अपन। जी थैंक यू। बहुत अच्छी लगी। सबसे बड़ी बात ये कि अभी जो फिल्में चल रही हैं और उसमें काफ़ी कुछ मसाला देखने को मिलता है। ये बहुत सिंपल सी मूवी है, और सबसे अच्छी बात किसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, जिस जैसे कि हम कभी थके रहते हैं ना, तो ग्रीनरी देख के आंखों को सुकून मिलता है। ये फिल्म ऐसी है कि अगर आप बहुत कुछ बाहर का देख के आए हैं और थकान महसूस कर रहे हैं, तो ये फिल्म आपको सुकून देगी आंखों को भी। और जिस तरीके की इसमें बहुत ज़्यादा भारी भरकम चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं, हल्की फुल्की कॉमेडी है जिसको देख के लोग इंजॉय कर सकते हैं। फूहड़ता नहीं है कि बहुत फूहड़पने से कुछ दिखाया गया हो, वैसा प्रेजेंट किया गया हो। तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी आइए और ये फिल्म देखिए। बहुत अच्छा, बहुत सिंपल वे में है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। जी मैं तो 5 ही दूंगी। फिल्म अच्छी बनी है, सब्जेक्ट अच्छा है, बिल्कुल नया है ना, और लोकेशन बहुत बढ़िया है, एक्ट्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है, स्पेशली बदरुल ने बहुत अच्छा काम किया, कृष्णा ने बहुत अच्छा काम किया है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, एक छोटी फिल्म है, अच्छी फिल्म है, लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए, बस बाकी आप लोगों के ऊपर है। अगर आप लोग जिस तरह से फिल्म को प्रमोट करेंगे तो ऑडियंस आएगी देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। देखिए होता है ना, आप इतने अच्छे विजुअल्स हैं फिल्म में जो देख लो आँखों को बहुत अच्छे लगते हैं, है ना, तो इस तरह की फिल्म आनी चाहिए। सब जो है क्या कहना चाहेंगे उन्होंने एक अच्छा प्रयास है संजीव का, है ना, उस अच्छी तरह से फिल्म को डायरेक्ट किया, कैमरा बहुत अच्छा है ना, सारी चीज़ें ठीक है, बढ़िया हैं, बस यही है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, फिल्म देखें, फिल्म को सराहें, बस यही मेरी वो है। मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे शहर में हम लोग रहते तो थोड़ा गांव को देखने को मौका मिला, और याद भी आई गांव की, जैसे मिट्टी में गिरना, कुश्ती वाला सीन बहुत अच्छा लगा, एक नया इफेक्ट था, और फिल्म में गाने बहुत अच्छे हैं, लोकेशन बहुत अच्छा लगा, एक्टिंग तो अच्छा लगा ही, बिकॉज मेरे हस्बैंड है बदरुल इस्लाम, तो उनका एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, हीरोइन ने भी बहुत अच्छी किया। उम्मीद करते हैं आगे और बहुत अच्छा हो और फीडबैक अच्छा आए इसका। सबको काम कितना अच्छा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, इतनी कम समय में उन्होंने बनाया, इट्स वेरी प्रेज़वर्दी, एंड देखते हैं क्या होता है। हाँ, ये फैमिली फिल्म है, देखना चाहिए, और क्या है कि आजकल के बच्चे जो है कंप्यूटर मोबाइल ये सब चीज़ों में इतना घुस गए, तो उनको थोड़ा ये सब चीज़ें मुझे लगता है जानते भी नहीं आजकल के गाँव कैसे होता है, लाइट नहीं है, जैसे वो लंठन में हो रहा था शूटिंग, तो सब चीज़ें तो बच्चे आजकल पता ही नहीं, हम लोग तो लंठन में पढ़ चुके हैं सब चीज़ें, तो मुझे लगता है देखना चाहिए सब, और फैमिली फिल्म में तो सब एक साथ देख ही सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी लगी, स्टोरी बहुत सिंपल है लेकिन बहुत प्यार से बनाया है, सच्चाई से बनाया है, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम दिनों में तैयार हुई ये मूवी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ऑडियंस को प्यार देना चाहिए। मूवी के गाने बहुत अच्छे हैं, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है मूवी की, और सब ने बहुत अच्छा काम किया है, तो आई थिंक ऑडियंस को प्यार देना चाहिए ऐसी मूवीज़ को, ताकि आगे भी बनते रहे। जो गांव दिखाया गया वहाँ गांव में आप खुद खुद को महसूस महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ज़रा इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि मूवी जो जिस हिसाब से बैकग्राउंड सेट किया गया था, एक जो मनिहार की स्टोरी दिखाई गई थी, तो हम जब छोटे थे तो हमें याद भी है कि वैसे साइकिल में आते थे पूरे तैयार के साथ, तो वो चीज़ फील बरकरार थी पूरी मूवी में, उनसे आपको हटने नहीं दिया गया। परफॉर्म करते थे लीड जो थे अपने बदरुल जी, काफ़ी उनका अच्छा था, उनको तो काफ़ी समय से देख रहे हैं एड्स वगैरह में, और मेरे फ्रेंड रोशनी ने भी जो लीड में उन्होंने काम किया बहुत अच्छा काम किया, और सपोर्टिंग एक्टर्स भी काफ़ी हैं, सब ने अच्छा काम किया है। दर्शकों को कहना चाहूँगा कि ऐसी मूवीज़ को थोड़ा प्यार दें, सराहें, ताकि
प्रेरित हो लोग मूवी बनाने के लिए, क्योंकि देखिए दर्शकों का प्यार ही आपको प्रेरित करता है कि आप मूवी बनाएं, ऑडियंस आए थिएटर में देखे। बहुत अच्छी फिल्म थी, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी थी, ग्रामीण जीवन को अच्छे से दिखाया है, कैसा किया है, और अच्छा स्टोरी था, कॉम्प्लेक्स स्टोरी था। आप भी देखें, आपको अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा। फिल्म में जो प्रॉब्लम्स दिखाया है कि कैसे कभी कोई छोटी प्रॉब्लम को भी लोगों के ज्ञान के हिसाब से नहीं तो वो बहुत बड़ी लगने लगती थी, वो अच्छे से दिखाया है। कॉमिक अच्छा है, डायलॉग्स अच्छे हैं, एक्टिंग सबकी अच्छी थी, बदरुद्दीन सर की भी अच्छी थी। आपका पैसा वसूल हुआ? हाँ हाँ बिल्कुल वसूल हो गया। रेटिंग क्या देना चाहेंगे 5 में? 5 में से 5। फिल्म बहुत अच्छी थी और मतलब मोस्टली उसके गाने तो मतलब लाजवाब थे, और उसमें जो मतलब गांव की जो बारीकियाँ दिखाई गई हैं, जो हम और भी मूवीज़ देखते हैं उसमें जो नहीं भी दिखता तो इसमें दिखाया गया वो, और सभी एक्टर ने अच्छा काम किया है। लोकेशन अच्छी थी सर, और कायदे में मुझे म्यूज़िक ही ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब जो सही है जी देसी भी के इंग्लिश बात करें लोग जब। हाँ डायरेक्शन भी सर अच्छा था, थोड़ा थोड़ा मतलब जिस हिसाब से कम बजट पे बनी है और उस हिसाब से ठीक है, चलेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल देखनी चाहिए। सर जिस हिसाब से बजट वजट सबको पकड़ के जाऊँ तो मतलब मैं फुली रेट करूँगी उसको।